नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रोहित इस वीडियो में हम लोग एट्थ क्लास की साइंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और, और एक हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं और किस प्रकार हानिकारक हैं इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ सूक्ष्म जीव जो हमें नग्न आँसों आँखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जाता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं अब यहाँ पे बहुत से एनिमल और पौधे रहते हैं जो कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देते अगर हम उन देखने के लिए उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं इन्हीं को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं ये यह यहाँ पे बताया गया है कि रेनी सीज़न में जो है ब्रेड पे बेड ब्रेड के ऊपर जो है ग्रे कलर का मटर मटीरियल जमा हो जाता है जैसे आपने भी देखा होगा कि आप रेनी सीज़न में एक ब्रेड निकाल के बाहर रख दीजिए कहीं पे तो एक दिन बाद देखिएगा उस पर क्रीम कलर का जो है वाइट वाइट सा सब्सटेंस जमा हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कहा जा सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गनिज़म की वजह से ही जो वाइट वाइट सा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं भोरी लग गई है वो उसी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है अब एक्टिविटी एक में टू पॉइंट एक में क्या किया गया है कि इन्होंने कुछ मिट्टी ली और मिट्टी में थोड़ा पानी डाल दिया और उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व किया कि उसमें जो है माइक्रोस्कोप से तो उसमें इन्होंने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको चलते मिले हैं एक्टिविटी दो पॉइंट दो में भी यही किया गया है कि इन्होंने तालाब का पानी ले लिया कुछ और उसके बाद जो है माइक्रोस्कोप से इसको देखा तो वहाँ पे भी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इनका साइज़ जो है अलग अलग हो सकता है एक जैसा नहीं हो सकता है इनको हम लोग अनएडिड आई से नहीं देख सकते हैं मतलब नग नाकों से हम लोग इनको नहीं ये कैसे मुख्यतः क्लासीफाई हुए हैं ये बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ और एल्गी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाई हुए हैं मुख्यतः चार इसमें आते हैं वायरस भी छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन ये उनसे अलग रहते हैं अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि बैक्टीरिया से हमें जो जैसे कोल्ड हुआ इन्फ्लुंजा हुआ और कफ़ हुआ ये सब हमें वायरस से होता है और जो है पोलियो चिकन पॉक्स ये वायरस से हमारा होता है उसके बाद डाइसेंट्री और मलेरिया जो है प्रोटोजोवा से होता है टाइफाइड और टीबी जो है हमारा बैक्टीरिया से होता है ये हम लोगों ने सिक्स और सेवन्थ क्लास में पढ़ा था ये कुछ उदाहरण हैं बैक्टीरिया के ये कुछ उदाहरण हैं एल्गी के और दो पॉइंट तीन फिगर में हैं प्रोटोजोवा और दो पॉइंट चार में ये फंगी के कुछ उदाहरण हैं ये लोग आप लोग याद कर लीजिएगा अब ये हैं वायर, वायरस का कुछ जो है स्ट्रक्चर है ये वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये हमारा वायरस का स्ट्रक्चर है अब ये वेयर डू माइक्रो ऑर्गन लाइव माइक्रो ऑर्गन जो सूक्ष्म जीव कहाँ पर रहते हैं ये बताया गया है कि सिंगल सेल भी हो सकते हैं मल्टी सेल भी हो सकते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये उनकी एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं एनवायरमें आइस कोल्ड में भी क्लाइमेट आइस कोल्ड से हॉट स्प्रिंग तक ये पाए जा सकते हैं और डिज़र्ट से मार्शी लैंड तक ये पाए जा सकते हैं ये मुख्यतः इसमें बताया गया है कि जो ये कहीं पे भी पाए जा सकते हैं जिस हिसाब से कंडीशन हो अब इस अब हमारे लिए फ्रेंडली हैं, उसके बारे में हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंडली इन देंस कि क्या हमें इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या फ़ायदा होता है अब पहले जो है कर्ड और ब्रेड जो है केक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गम का यूज यूज़ होता है और एल्कोहल बनाने के लिए दारू बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गनिज़म का और जो वेजिटेबल जो हमारा वेजिटेबल पील यानी कि जो घर का आलू का और आ, उ, दूसरी सब्जियों का छिलका रहता है उस उसको हम लोग फेंक देते हैं तो वो सड़ने लगता है वो सड़ता इसी की वजह से है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सड़ने लगता है मिट्टी में जैसे हम लोग डाल दें तो सड़ जाता है सड़ने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है इसी तरह वो मिट्टी को उपजाऊ उपजाऊ बनाता है जैसे काऊ का डंग हो गया ये सब भी हमारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करता है इसको सोयल फर्टिलिटी कहते हैं और नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है अब कार्ड और ब्रेड बनाने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारा दही बनाने के लिए इस्तेमाल होता है दूध से दही बनाने के लिए बैक्टीरिया जो है चीज़ बनाने के लिए हमारा यूज़ होता है और जो है बैक्टीरिया ही हमारा इडली और डोसा बनाने में यूज़ होता है बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों मिलकर जो है इडली और डोसा बनाने में अच्छा म, म, मतलब बनाने में सहायता करते हैं अब ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हमको कैसे पता लगेगा कि बैक्टीरिया रहते हैं जैसे इसमें इन्होंने क्या किया है? आधा किलो आटा ले लिया फ्लोर उसको पानी से अच्छी तरह गूँथ लिया गूँथने के बाद ईस्ट पाउडर डाल दिया इन्होंने उसके बाद जो है ये सॉफ़्ट हो गया दो घंटे बाद आप लोग देखेंगे कि उसका साइज जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसमें से गैस भी निकलेगी और स्मेल भी आएगी वो ईस्ट की वजह से होता है ये सब ये इसी में बताया गया है अब यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा था कि कमर घर में कैसे यूज़ होता है दूध दही में बदलने में और जो छिलके रहते हैं घरों के आलू प्याज के वो सब मिट्टी में हम लोग डाल देते हैं वो सड़कर कर जो है मिट्टी में बदल जाते हैं ये इस्तेमाल था अब हम इसको देखते हैं कि कमर्शियल यूज़ कैसे किया जाता है कमर्शियल यूज़ कहाँ पे होता है अल्कोहल बनाने में अल्कोहल मुख्यता बनाने में जो है ये यूज़ होता है और बार्ली व्हीट राइस और क्रश्ड फ्रूट ये इस्तेमाल किया जाता है ये इसका रॉ मटेरियल है और ईस्ट की प्रेजेंस में जो है हमारी अल्कोहल बनती है यही हमारा इसमें दिया गया प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इस नोन एज फर्मेंटेशन यानी कि जो शुगर केन है जो गन्ना रहता है वो बदल जाए हमारा अल्कोहल में उसको फर्मेंटेशन कहते हैं लुइस पास्चर हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने ही फर्मेंटेशन की खोज की थी अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि मेडिकल का क्या इस्तेमाल होता है जो हमें दवाइयाँ दी जाती हैं वो मुख्यतः है। सभी प्रकार की दवाइयाँ एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक कहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही बनाई जाती हैं ये कुछ जो है उदाहरण है माइक्रो जैसे ये जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई कुछ दवाइयाँ हैं ये हमारा इस पर दी गई हैं जो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये पार्ट वन है इसके बाद पार्ट टू आएगा